दोस्तों, फ्यूचर सक्सेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्राइस डिस्काउंट किस तरह से निकाला जाता है। सपोज आपके पास में आइटम नेम्स हैं, आपके पास में ओरिजिनल प्राइस हैं, तो आप उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर निकाल के अभी दिखाया है, तो यह किस तरह से बनेगा, यह जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस बुक बनाई है वो कैसे बनेगा, जिसमें आपको नाम और इसका ओरिजिनल प्राइस, उसमें डिस्काउंट होगा, उसमें सेविंग्स होंगे, तो आपको किस तरह से बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई शीट ले लेता हूँ। नई शीट लेने के बाद में अब आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जिसमें कि आपको काम करना है। तो चलिए मैं इतना एरिया ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइस डिस्काउंट तो किस तरह से देखिए बनेंगे, या जो मैंने अभी आपको जो चार्ट दिखाया था, ये जो पूरा किस तरह से प्रैक्टिस बुक बनेगा इस चार्ट का, तो मैं इसको बनाते चलता हूँ ताकि आपको ही प्रैक्टिस होती जाए। तो एज इट इज़ मैं ऐसे बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ से फिर मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस डिस्काउंट। प्राइस डिस्काउंट, इसके बाद में बाहर इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद में इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, इसको यहाँ से मैं ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके बाद में आइटम नेम, उसके बाद में अगले कॉलम में ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद में अगला होगा डिस्काउंट, उसके बाद में होगा परसेंटेज सेविंग। तो शिफ्ट के संग में आप 5 नंबर की को प्रेस कीजिएगा तो परसेंटेज साइन आ जाएगा। उसके बाद में सेविंग, न्यू प्राइस, फिर उसके बाद में सोल्ड, कितना आइटम आपका सोल्ड होता है, और उसके बाद में टोटल। तो यहाँ पर यह बन गया। अब इसको थोड़ा सा, अब इसको यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बन चुका है। अब यहाँ पर से हमारा नंबर्स वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 अमाउंट में ले लेता हूँ। चलिए 5 ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसको फिल सीरीज कर लेंगे। अब हमारा आइटम नेम होगा, तो आइटम नेम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास में टेलीविजन सेट्स हैं तो लिखते हैं एलईडी टीवी, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, उसके बाद में रेडियो, रेडियो हो गया, उसके बाद में चलिए रखते हैं हेडफोन, हेडफोन, हेडफोन हो गया, उसके बाद में रखते हैं यहाँ पर एक चार्जर, चार्जर तो यहाँ पर हो गया। अब एक एलईडी टीवी, एक एलईडी टीवी का प्राइस यहाँ मान लेते हैं 25,000 रुपये। उसके बाद में मोबाइल, मोबाइल मान लेते हैं यहाँ 15,000 रुपये का है। एक रेडियो, रेडियो मान लीजिए कि 1,200 रुपये का है। हेडफोन हमारा 500 रुपये का है और एक चार्जर है हमारा 800 रुपीज़ का। उसके बाद में डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम हर प्रोडक्ट पर अलग डिस्काउंट देते हैं, हर प्रोडक्ट का एक अलग डिस्काउंट होता है। जैसे कि हम टीवी बेच रहे हैं तो टीवी पर हमारा 5% रहेगा, शिफ्ट के संग 5 हमारा 5%, और मोबाइल फ़ोन पर हम 9% का डिस्काउंट दे रहे हैं।
फिर उसके बाद में हमारा रेडियो हो गया, रेडियो पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हेडफोन पर हमारा 15% का डिस्काउंट है, और चार्जर पर हमारा 8.5% का डिस्काउंट है। चलिए 8.5% का हमारा डिस्काउंट है। तो हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है, कि अगर मान लीजिए कि हम उसको परचेस कर रहे हैं तो हमारी सेविंग कितनी हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसा चार्ट बनाते हैं तो हमारे जो कस्टमर हैं उनको कितना परसेंट का सेविंग हो रहा है। सपोज़ वो आपके शॉप में आते हैं और आपसे जब वो पूछते हैं कि सर आप अगर 25,000 का एक LED हमको सेल कर रहे हैं उसमें 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको कितना परसेंट का सेविंग हो रहा है, या आपको उसको बोलना हो तो कितना परसेंट का सर आपको सेविंग हो रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन देते हैं, उसके बाद में हमारा जो अमाउंट है, जो LED TV का जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिस्काउंट के संग में, उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा अगर 25,000 के TV पर अगर हम उसको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1,250 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। उसके बाद में यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन है 15,000 रुपये का, उसमें 9% का डिस्काउंट है, तो यहाँ 1,350 रुपये की बचत हो रही है। फिर उसके बाद में आपको रेडियो पर 120 रुपये की हो रही है, क्योंकि 10% 1,200 रुपये में है, और चार्जर पर जो कि 800 रुपये का है, हम अगर उसको 8.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको उनको 68% का डिस्काउंट हो रहा है। तो हमारा न्यू प्राइस कितना होगा, जो हमको पार्टी से जो पैसे लेने हैं जो नया प्राइस का, वो क्या होगा? तो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारा जो कि उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं जो सेविंग हो रहा है, यानी हम उनको 5% डिस्काउंट पर एक LED TV सेल कर रहे हैं, तो उनको 23,750 रुपये जो कि उनको नया रेट पड़ रहा है। चलिए तो इसको यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं, तो यह इनका प्राइस निकल आया। अब सपोज़ आपने दिन भर दुकानदारी किया, आपका दिन भर शॉप चला, तो उसके बाद में आपको कितने नंबर्स ऑफ TV सेल हुए, तो समझिए 5 TV सेल हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है वह 12 सेल हो गए हैं, रेडियो हमने 10 बेच लिए हैं, हेडफोन ज़्यादा बिक गया, चलिए 25 पीस बिक गया, और चार्जर हमारे 15 पीस बिक गया। तो यह अमाउंट हमारे इतने सोल्ड हो गए हैं आज। तो हमारा टोटल एक एक प्रोडक्ट पर हमने बेच करके कितना रुपया का कैश हमारे काउंटर पर जमा हुआ एक एक प्रोडक्ट पे, तो इसको चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो हमारा न्यू प्राइस, जो प्राइस हमको पे किया कस्टमर ने, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो प्राइस, जो जितने गुड्स हमारे सेल हुए हैं, जितने सोल्ड हुए हैं, तो देखिए टोटल इतना अमाउंट सिर्फ TV बेच करके आया है। तो फिर उसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर ड्रैग हो गया। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज़ इसको मैं यहाँ से पहले पूरा मर्ज कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर जैसे टोटल आपको निकालना है कि आज शॉप में टोटल इतने प्रोडक्ट का तो सेलिंग मैंने किया आज, तो इसके बाद में हम उसको कितना बच रहा है, कितना अमाउंट हमको यहाँ से मार्जिन मिल रहा है। तो चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं, इसको किस तरह से निकालेंगे, कितना रुपया कलेक्शन हो रहा है, सॉरी कितना रुपया कलेक्शन आ रहा है। तो इसको यहाँ से इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन देने के बाद में आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है श्रम का, श्रम, उसके बाद में आपको शिफ्ट के संग में 9 नंबर की को प्रेस करना है, तो आपका इस तरह से ब्रैकेट आ जाएगा। और इसके बाद में आपको फर्स्ट इसको यहाँ पर क्लिक करना है, देयर आफ्टर कर्सर को सीधे नीचे तक लाना है जहाँ तक कि आपको सेलेक्ट करना है, और फिर शिफ्ट के संग में आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें। तो टोटल देखिए आज काउंटर पे इतना, जो 5 तरह का प्रोडक्ट किसी शॉप में सेल हुआ है और डिस्काउंट के संग में इतना आइटम सोल्ड करने के बाद में इतना रुपया, यानी 21,000, 10,000, 3,14,955 रुपया टोटल आज कैश अमाउंट सेल हुआ है। तो यह दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको सबको ऑल बॉर्डर कर देते हैं,